మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా జవహర్ నగర్ పరిధిలో డేవిడ్ రాజు చేస్తున్న భూ ఆక్రమణపై ప్రజాసత్తా పార్టీ తెలంగాణ చీఫ్ ఏకే త్యాగి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. హద్దు అదుపు లేకుండా వృద్ధురాలు అని కూడా చూడకుండా డేవిడ్ రాజ్ అనే వ్యక్తి కబ్జాకి పాల్పడటమే కాకుండా అడ్డొచ్చిన వారిని సైతం చంపేస్తారని బెదిరించడంపై మండిపడ్డారు. ఇటువంటి వారిపై వెంటనే చట్టరీత్యా చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. में लैंड माफियाज का दुराचार, जिसको मतलब अन्याय करके गरीब लोगों का प्लॉट भी नहीं छोड़ रहे ये लोग। इसमें एक प्रोफेशनल हैबिचुअल ऑफेंडर, जो कि इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आया है उसके हिसाब से डेविड राज एक आदमी है, नेरड मेट का रहने वाला है वो। और वो डेविड राज जो है एक शोभा रानी मैडम है, जो कि सीनियर सिटीजन है। गरीब लोगों का प्लॉट जो है 140 स्क्वायर, वो जो है इलीगली कब्जा कर रहा है। और वो पुलिस स्टेशन में जाके अगर कंप्लेंट मेरा ऊपर दिए तो मैं तुम्हारे को संपेस्ता, मर्डर करता, ऐसे करके धमकी दे रहा है। ऑलरेडी ये शोभा रानी जो मैडम है, इन्होंने 2018 में ओएस नंबर 322 ऑफ 2018, ठीक है ना, केस फाइल्ड ऑन डेविड राजू एंड येडू कोंडलू, सन ऑफ डी आदि नारायण, इन लोगों के ऊपर केस है। जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है मुझे, उसमें यह है कि ये लोग जब से केस फाइल हुआ है अभी तक जो है कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुए। समन इश्यू करने के बाद भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुए। तो जब ये डेविड राजू एंड येडू कोंडल जैसे लोग जो कोर्ट के समन को भी वैल्यू नहीं दे रहे, तो नॉर्मल पब्लिक के साथ ये क्या अत्याचार कर रहे हैं वो देखने वाली बात है। सेकंड थिंग इज दैट सेम बाला महेश, आर बाला महेश, सन ऑफ वीरेशम, इन्होंने जो है ये शोभा रानी मैडम को ये प्लॉट बेचा है 2008 में इन्होंने सेल किया है, जिसमें कि ना तो डेविड राज के पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है। फेक फॉर्जरी के डॉक्यूमेंट्स जवाहर नगर में बनाने का प्रोफेशनल ट्रेंड है, सबको मालूम है, पूरी ऑथोरिटीज जितनी भी हायर ऑथोरिटीज हैं सबको पता है, ठीक है। तो मेरी पुलिस ऑथोरिटीज एंड रेवेन्यू ऑथोरिटीज से हम्बल रिक्वेस्ट है कि गरीब लोगों के साथ न्याय करने की थोड़ा इनकी हेल्प कीजिए। That will be the more grateful to the revenue department and also to the police authorities. Thank you.